तो रात के वक्त बहुत ज़्यादा सी जो है वो क्रेविंग हो रही थी, तो हम लोग सोच सोच के क्या खाएं, तो थोड़ा लेट हो गया था। रमज़ान भी है तो जंक फूड तो बिल्कुल छोड़ा हुआ, भाई जंक फूड नहीं खाना, लेकिन नूडल्स फिर भी खा लिए। नूडल्स की भाई क्रेविंग हो रही थी तो मैंने सोचा भाई नूडल्स खा लेते हैं। साथ में जो है वो चने भी निकालने थे, ये भी रखने थे क्योंकि सुबह ये बॉयल करने थे, तो चटपटा नूडल जो है हम लोगों ने बनाया। और रात के वक्त अकेले में बैठ के मैंने और बहन ने खाए और साथ में गप्पे लगाई। कभी कभी अकेले बैठ के नूडल्स के साथ गप्पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। हमारे घर में जो है बाकी सारे जो हैं वो रात का खाना खा लेते हैं, तो इनको तो भूख नहीं लगती है, लेकिन हम लोग को लग जाती होती है क्योंकि हम लोग रात का खाना नहीं खाते। उसके बाद अगले दिन बनाया था मैंने रशियन सैलेड, जिसकी मैंने जो है रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा भाई आज आप लोगों को बताऊँगी मैंने कैसे बनाया था। जो है फ्रूट ले लिया था, फ्रूट में मैंने एप्पल लिया था, स्ट्रॉबेरी ली थी और बनाना लिया था और क्या लिया था और तो मैं भूल ही गई, बाकी जो सबको सामने आ रहा है मैं साथ साथ बताती हूँ। ये मैंने फ्रूट लिया था। अच्छा आपकी ना मर्जी होती है, पहले हम लोग को डाउट था कि स्ट्रॉबेरीज जो है ना वो अच्छी नहीं लगेंगी बीच में, लेकिन जब मैंने कटिंग की डाली जब बन गया अब हमने बाद में खाया तो स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट भी बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने जी एप्पल्स को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, स्ट्रॉबेरीज को भी काट लिया, बनाना को भी काट लिया। उसके बाद जी मलाई हमने 2 डब्बे लिए क्रीम के, ऑलपर्स के हमने यूज़ कर ली थी आपकी मर्जी, और थोड़ी सी जो है उसमें छोड़ दी थी गार्निशिंग के लिए। साथ में हमने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की और सही से इसको जो है वो मिक्स कर लिया ताकि जो चीनी जो है वो बीच में सही मिक्स हो जाए। और उसके बाद ये हम लोगों ने कॉकटेल का डब्बा यूज़ किया था। अच्छा कॉकटेल के डब्बे में जो है ना आपने थोड़ा सा जो सीरम है वो साइड पर कर देना, बाकी कॉकटेल और जो उसका सारा सीरम है वो सारा का सारा इसमें डाल देना। उसके बाद ये मैंने गाजरे जो है वो रखी हुई थी साइड पर, उसके बाद ये मैंने बीच में थोड़ी सी ऐड की, बाद में मैंने ड्राई फ्रूट जो इसमें पिस्ता बादाम जो थे वो मैंने सही इसको जो है वो पाउडर फॉर्म में कर लिए थे। सीरम जो है आपने बीच में खुद जो है वो साथ में डालते रहना है, और जब आप ये बीच में क्रीम डालेंगे आपने ये चीज़ खुद चेक करनी है कि बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक सी रहे, बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए, ठीक हो गया। इतना सा आपने सीरम डालना है और चीनी आपने वैसे ही बहुत ज़्यादा कम डालनी है क्योंकि सीरम जो है इसका वैसे ही बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इसको थोड़ी देर तक मिक्स करते रहना है, इतना मिक्स करना है कि ये प्रॉपर तरीके से जितना ड्राई फ्रूट है इसका सीरम है जितना कुछ है सही प्रॉपर तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से जो है एक बाउल में निकाल लें क्योंकि भाई फिर प्रॉपर तरीके से इसको बिल्कुल प्लेन कर दें ताकि आप इसकी गार्निशिंग ऊपर अच्छी सी कर दें। फिर उसके बाद इस ऊपर अच्छा सा ड्राई फ्रूट डाल दें, बादाम रख दें और क्रीम से और स्ट्रॉबेरी से जिस तरीके से आपको अच्छा सा दिल करता है अच्छी सी जो है वो गार्निशिंग कर दें। उसके बाद इसको थोड़ी देर, अगर गर्मी है, अभी आजकल तो मौसम जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर गर्मी है तो गर्मी में ये होता है कि थोड़ा सा इसको फ्रीज़र में रख दिया जाए ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर ये खाने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्रीम से भी अच्छी ऊपर से गार्निशिंग कर दे और ये खाने में इतना कुछ ज़बरदस्त लगता है। ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताना आप सबको कैसा लगा। इसी तरह आज के दिन गुजर गए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज़। ओके बाय।